स्टूडेंट तो स्वागत है आपका स्टडी यूट्यूब चैनल में। और हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। किसी भाई ने हमको सेंड किया है और ये एसएससी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके पास भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप ज़रूर बताना, क्योंकि मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ही बेसिक करना सिखा दूँगा। क्वेश्चन क्या है कि 6 मजदूर किसी काम को 16 दिनों पूरा कर सकते हैं, तो 6 मजदूर इंटू 16 दिनों पूरा कर सकते हैं, बराबर आ जाओ यहाँ तक कि हमारी एक कहानी कम्प्लीट होगी। काम के लिए 10 मजदूर तो उपलब्ध हैं, मतलब काम के लिए 10 जो मजदूर हैं वो उपलब्ध हैं, लेकिन ये काम 8 दिनों पूरा करना है। उन्होंने एक बाउंडेशन लगा दी, ये 8 दिनों पूरा करना है। इस काम को करने में पूरा करने के लिए और कितने मजदूर चाहिए, ठीक है? तो 10 तुम्हारे पास हैं तो हमें एक्स मज़दूर और चाहिए, ठीक है? अब उन्होंने कहा और कितने चाहिए, तो मान लो हमने एक्स और एक्स हमारे पास मौजूद हैं, मतलब हमें 10 तुम्हारे पास हैं लेकिन हमें एक्स और चाहिए, तो हमें एक्स माइनस करना पड़ेगा ना। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमें कितने और चाहिए, बड़ लगा दी कितने और चाहिए, ठीक है? तो जितने हमारे पास हैं उतने में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस एक्स इंटू कितना हो गया, 8 दिनों पूरा करना है, ओके? तो चाहो आप वैसे इसको एक्स माइनस 10 भी कर सकते हो। कैसे? मान लो हमारे पास एक्स मज़दूर तो हमें चाहिए, ये कितने एक्स मज़दूर हमें चाहिए और हमारे पास 10 मौजूद है, तो एक्स में से हम 10 घटा देंगे तभी तुम पता चलेगा कि हमें कितने और चाहिए। तो आप एक्स में 10 भी ले सकते हैं, फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आंसर पे। तो 16 6 96 बराबर ये हो जाएगा 80 माइनस 8x, तो 80 को इधर ले जाएंगे तो 8x बराबर कितना आ गया, ये घट जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। 8 से कट करेंगे तो x बराबर हमारा 2 आ गया, ठीक है? इसका मतलब है हमें अभी 2 मजदूर और चाहिए, कितने 2 मजदूर और चाहिए, तो यही हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन बेसिक था, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं इसमें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन आपका बेसिक था, एक क्वेश्चन हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ।